नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। किसान संगठनों की ओर से आज सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक भारत बंद बुलाया गया है। इस दौरान यूपी सहित आसपास के इलाकों में पुलिस अलर्ट है और करीब एक दर्जन से अधिक राजनीतिक दलों संगठनों ने इस बंद का समर्थन किया है। किसानों ने भारत बंद के दौरान दिल्ली, यूपी और हरियाणा के मुख्य तौर पर अपना प्रदर्शन तेज किया है। हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। किसान अब सड़कों पर उतर आए हैं और भारत बंद का आह्वान किया है। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने रोड जाम कर दिया। कृषि कानून के विरोध में भारत बंद के बाद एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने रेलवे स्टेशन, बस अड्डा समेत अन्य सभी प्रमुख स्थलों पर अतिरिक्त सतर्कता बरतने जाने के निर्देश जारी किए। वहीं संवेदनशील स्थानों पर कानून व्यवस्था ड्यूटी के लिए 28 कंपनी अतिरिक्त पीएसी भी मुस्तैद की गई है। तो आज बता दें कि देश भर में भारत बंद का आह्वान किया गया है। किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर देश में धरना कर रहे थे। दिल्ली से सटे हुए बॉर्डर पर लगातार किसान कई महीनों से, 10 महीने के लगभग हो गया, धरने पर बैठे थे, लेकिन आज पूरे देश में भारत बंद का आह्वान किया गया है। तस्वीर भी जगह जगह से हम आपको दिखाएंगे, लोगों से भी बातचीत कराएंगे किस तरीके से भारत बंद में किसान हर जगह प्रदर्शन करते हुए दिखाई देते हैं और किस तरीके का जाम भी पूरे देश में लगा हुआ है, ये तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल जो तस्वीर दिखा रहे हैं वो किसानों की तस्वीर है, जहां पर किसान डटे हुए हैं, बैठे हुए हैं और भारत बंद की बात कह रहे हैं। तो सुबह 6 बजे से ये भारत बंद शाम 4 बजे तक चलेगा। सड़कें जाम है, रास्ते बंद है, मार्केट बाजार सब कुछ ठप पड़ा हुआ है, क्योंकि किसानों का ये बड़ा आंदोलन चल रहा है। लगातार केंद्र सरकार से 3 कृषि कानून को वापस लेने की मांग किसान उठा रहे हैं, उसी को देखते हुए आंदोलन किया जा रहा है। जन पंचायत होती है, किसान महापंचायत होती है, हजारों और लाखों की संख्या में किसान इकट्ठा होते हैं और कृषि कानून का विरोध करते हैं। आज भारत बंद का आह्वान किया गया है और कृषि कानून को वापस लेने के लिए किसान लगातार मुखर हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि आज का जो किसान संगठन है, इस पर कई संगठनों ने भी किसानों का साथ दिया है। राजनीतिक पार्टी, चाहे आम आदमी पार्टी की बात की जाए, चाहे समाजवादी पार्टी की बात की जाए, बसपा की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए, हर कोई किसान बंद का साथ दे रहे हैं। हमारे साथ अलग अलग जगहों से अलग अलग संवाददाता जुड़ेंगे। अनूप सिंह लखनऊ से हमारे साथ जुड़ेंगे, मुजफ्फरनगर से पवन अग्रवाल जुड़ेंगे, गोरखपुर से सुभाष गुप्ता, हैदरपुर से, गाजीपुर से हैदर अली, देहरादून से अजीत कांबोज भी हमारे पास जुड़ेंगे। सबसे पहले हम हैदर अली के पास चलते हैं। गाजीपुर दिल्ली से सटा हुआ बॉर्डर है और जो तस्वीर सामने आ रही है तो लगातार जाम की तस्वीर आ रही है। लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आज सोमवार का दिन है, लोग ड्यूटी के लिए ऑफिस जाते हैं, लेकिन किसानों के आंदोलन की वजह से हर जगह रास्ते बंद हैं, मार्ग ठप पड़े हुए हैं। हैदर, जैसे यहाँ पर गाजीपुर जी गेट पर लगभग 10 महीने से किसान सुप्रीम कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। बात की जाए तो यहाँ पर संयुक्त मोर्चा की तरफ से आज भारत बंद का ऐलान किया गया था। इसका अगर बात की जाए तो यहाँ पर मौके पर सभी नेता यहाँ पर मौजूद है, किसान नेता, और यहाँ जो दिल्ली को एक रास्ता खोला हुआ था जबकि कुछ 2 महीने पहले खोल दिया गया था, जिससे लोगों का परेशानी दिखी थी, मेरे और गाजियाबाद आने के लिए दिक्कत हो रही थी, उसको खोला गया था। आज उसी को ही बंद किया गया है और उसमें अगर बात की जाए तो यहाँ से इमरजेंसी जो इमरजेंसी के लिए एम्बुलेंस है, फायर ब्रिगेड की है और फौजियों की गाड़ी है और जो फॉरनर आ रहे हैं उनको लेकर जो जरूरत की चीजें हैं, जिस गाड़ियां उनको जाने दिया जा रहा है, बाकी और लोगों के लिए ये बंद है और पूर्ण तरीके से यहाँ से बंद कर रखा है। अगर बात की जाए, मैं आपको गाजियाबाद के व्यापारियों के बारे में बता दूँ। गाजियाबाद के व्यापारियों ने कुछ व्यापारी ऐसे हैं जिन्होंने रात को ये भारत बंद के विरोध का विरोध कर दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत जिसका बंद का साथ नहीं देंगे और कहीं ना कहीं बाजार गाजियाबाद के अंदर भी खुले हुए हैं और कुछ जगह ऐसी भी है जो किसान खुद गए हैं, किसान नेता गए हैं, उन्होंने बाजारों को बंद करवाया है, बाजार बंद भी हो चुके हैं। इस जगह पर अगर बात की जाए तो एक चीज आज भारत बंद में देखने को मिली है कि यहाँ गाजीपुर यूटी गेट पर आज गृहिणी भी मौजूद है, जो ये कह रही है कि यहाँ पर जो हमारे रसोई में खाना आता है, जो आटा आता है और जो सामान आता है वो किसानों के द्वारा आता है और वो महंगा हो जाएगा तो हम किस तरीके से आगे गुजारा करेंगे। तो आज गृहिणी भी इस आंदोलन में इस धरना पर इस भारत बंद के अंदर देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। हैदर अली हमारी तस्वीर दिखा रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर की और यहां पर किस तरीके का जाम लगा है। इसके बाद हम लखनऊ चलते हैं। लखनऊ से हमारे संवाददाता अनूप सिंह जुड़े हुए हैं। लखनऊ की तस्वीर क्या कहती है अनूप सिंह? देखिए अभिषेक, किसानों ने भले ही भारत बंद का ऐलान किया हो लेकिन कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग जिस तरीके से लखनऊ में आदर्श व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं संजय गुप्ता, उनसे मेरी बात हुई तो उनका कहना था
कि सभी दुकानें खुले रहेंगी। और हम इस वक्त यहाँ हजरतगंज में खड़े हैं, कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। ये सारी दुकानें धीरे धीरे खुलना शुरू हो चुका है और ये भीड़ देख के आपको नजर अंदाजा लगाया जा सकता है अभिषेक की दुकानें इस जो भारत बंद का ऐलान जो हुआ था उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सारी दुकानें खुली हैं, आवागमन जिस तरीके से सुचारू रूप से चल रहा है, ट्रैफिक व्यवस्था, हालांकि एहतियात के तौर पर जो सार्वजनिक स्थान है, चाहे स्टेशन की बात करें या फिर रेलवे बस अड्डों की बात करें, वहां पर अतिरिक्त फोर्स तैनात कर दी गई है। और इस बात का संदेश दिया गया है अगर कोई जबरदस्ती किसी दुकान को बंद कराता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। कुछ राजनीतिक जो पार्टियां हैं, आपने अभी नाम लिया था आम आदमी पार्टी की, कांग्रेस की आपने बात की थी, तो वाकई ये लोग समर्थन में उतरे थे, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मुझे लगता है वो सिर्फ राजनीति थी, सिर्फ वोटरों का बोलबाला की वजह से ये सब समर्थन किए थे, लेकिन अमूमन अगर धरातल पर देखा जाए अभिषेक तो किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ा है। आमतौर से लोग आना जाना शुरू कर चुके हैं, ऑफिस जिनका है ऑफिस जा रहे हैं, और लगातार आपने देखा किस तरीके से हजरतगंज क्षेत्र में भीड़ है, लोग घर से निकले हुए हैं अभिषेक। चलिए हम सीधे चलते हैं अब देहरादून, उत्तराखंड में भी किसान आंदोलन का असर दिखाई दिया है, भारत बंद का आह्वान किया गया है। अजित कांबोज आपसे समझना चाहेंगे देहरादून और पूरे उत्तराखंड की तस्वीर क्या वाया कर रही है, क्योंकि पहले 23 सितंबर की बात की जाए तो किसानों की महापंचायत हुई थी, हजारों की संख्या में किसान इकट्ठा हुए थे, भारत बंद का नारे भी लगे थे, कृषि कानून वापस की बात आई थी, अब आज की तस्वीर क्या है देहरादून और उत्तराखंड की? रुड़की क्षेत्र है जहाँ पर ज्यादातर किसान संगठनों ने समर्थन मांगा है आम लोगों से, व्यापारियों से। इसके अलावा उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर भी किसान बहुल एरिया कहा जाता है उत्तराखंड का, और वहाँ पर भी किसान आंदोलन को लेकर एक समर्थन मांगा गया है किसान महापंचायत के माध्यम से या किसान संगठन की तरफ से। भारत जिस तरह से राजधानी देहरादून की अगर बात की जाए तो देहरादून में अभी मार्केट खुलने का समय हुआ है और लगभग 11 बजे के करीब से यहाँ पर किसान आंदोलन को लेकर एक महापंचायत की तरह से कार्यक्रम रखा जा रहा है। देहरादून के गांधी पार्क में सुबह 11 बजे करीब तमाम जो किसान है वो एकजुट होंगे। लगभग 40 से ज्यादा राजनीतिक और गैर राजनीतिक जो संगठन है उन्होंने भारत बंद को अपना समर्थन दिया है, लेकिन अभी मार्केट खुलने का समय हुआ है, काफी चहल पहल है, लोगों के ऑफिस जाने का सिलसिला शुरू हुआ है। तो ऐसे में कहा नहीं जा सकता कि भारत बंद के चलते मार्केट बंद हुआ है, आंतरिक तौर पर मार्केट खुलना शुरू हो चुका है, किसी तरह का बड़ा असर होता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन 11 बजे के बाद जब गांधी पार्क में ये एकजुट होना शुरू होंगे, एक रैली का आह्वान यहाँ पर किया गया है भारत बंद को लेकर, अब उसमें देखना होगा कि कितने लोग एकजुट होते हैं। हालांकि जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन की तरफ से तमाम एहतियात बरतते हुए यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को टाइट किया गया है और साफ तौर पर किसान आंदोलन को लेकर या भारत बंद को लेकर जो भी लोग उतर रहे हैं उसे साफ निर्देशित कर जो भी लोग उतर रहे हैं उसे साफ निर्देशित किया गया है कि आप जबरदस्ती कोई मार्केट किसी को रोक टोक नहीं सकते हैं। जो लोग आपके समर्थन में हैं वो खुद ब खुद मार्केट को बंद करेंगे, लेकिन आप जबरदस्ती अगर किसी के साथ कोई मार्केट बंद करने की मांग करते हैं तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं बात की जाए तो आम लोगों को इसका असर ज्यादा नहीं पड़ा है। मुजफ्फरनगर चलते हैं, मुजफ्फरनगर से हमारे संवाददाता पवन जुड़े हुए हैं। मुजफ्फरनगर को किसानों की राजधानी कही जाती है, महापंचायत बहुत बड़ी पंचायत मुजफ्फरनगर में हुई है। पवन, आज क्या असर दिखाई दे रहा है मुजफ्फरनगर में? जी मैं आपको बता दूं, मैं इस वक्त जनपद मुजफ्फरनगर चौक पर खड़ा हूं और जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर 11 पॉइंट पर सहित किसान मोर्चा के आह्वान पर भारत बंद का आह्वान किया गया है। और मैं आपको बता दूं इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं वहां पर ये व्यस्तम बाजार है और ये चारों तरफ मिला जुला असर है। इस वक्त 80% दुकानें बाजार खुल चुका है और बहुत कम यहाँ भारत बंद का असर देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं जहां नेशनल हाईवे है, जहां 11 पॉइंट है, वहां पर इस वक्त पूरी चक्केजाम की स्थिति है। छपा टोल प्लाजा, रोहाना टोल प्लाजा, नेशनल हाईवे 38 मेरठ रोड, रूडी रोड, देहरादून, पानीपत, खटीमा मार्ग, ये अधिकतर सभी पर चक्का जाम है। सुबह 6 बजे से भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता और पदाधिकारी इस भारत बंद को सफल बनाने के लिए वहां पर मौजूद है। जी जी बिल्कुल पवन, तो अब हम चलते हैं सीधे गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर देखते हैं। हैदर अली हमारे संवाददाता मौके पर मौजूद है। हैदर अली, इस जगह पर आप मौजूद हैं, लगातार 10 महीनों से आंदोलन चल रहा है, इसी तरीके से किसान यहां बैठे हुए हैं और कृषि कानून का विरोध जता रहे हैं, आज की क्या तस्वीर है हमारे दर्शकों को आप दिखाइए गाजीपुर बॉर्डर की? कोई मामले नहीं, आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ ये रोड है जो दिल्ली से गाजियाबाद और आपका मिलन जा रहा था, और यहाँ पर आज देखा जाए तो यहाँ पर यही रोड बंद किया गया है और इस रोड को बंद करने के एक मेन वजह यही था कि यहाँ पर जो आने जाने के जो साधन है, जो दिल्ली से लोग गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, नोएडा और इस जगह पर जाते हैं और खासकर अपना
जनता के तक पहुंचते हैं, आज इसको पूर्ण तरीके से बंद कर दिया गया है। और रही बात अगर बात की जाए तो अभिषेक, यहाँ पर एक चीज और भी है कि जो प्रशासन है गाजियाबाद जिला प्रशासन है, उसने एक दिन पहले ही एक रूट डाइवर्ट करने के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई थी ताकि लोग जाम में ना फंसे। हालांकि देखने को मिला है कि हाईवे पे लंबा लंबा जाम लगा हुआ है, क्योंकि कुछ लोगों तक ये बात नहीं पहुंचा पाए प्रशासन जो है, और जाम लगा हुआ है। और बात की जाए अगर तो ऐसा भी देखने को मिला है कि कहीं जाम में एम्बुलेंस भी फंसी है, जिसको पुलिस प्रशासन निकालते हुए देखा गया है। अगर बात की जाए तो गाजियाबाद से जुड़े रहे हाईवे से NH9 से जो हाईवे जुड़ते हैं, और भी वहां पर ही पुलिस ने अपनी गाइडलाइन जारी करते हुए रूट डाइवर्ट किया जा रहा है ताकि लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगर बात की जाए रूट का धरातल पर देखा जाए तो जितनी भीड़ गाजीपुर यूपी गेट पर किसानों की हुआ करती थी, आज वो इतनी नहीं है। आज यह कहीं पहुंचा था, आज ये भारत बंद का आह्वान था जो सुबह 6 बजे शाम के 4 बजे तक चलना है, लेकिन जितनी भीड़ पहले हुआ करती थी उसके मुकाबले आज भीड़ इतनी नहीं है। तो बात की जाए, मैंने प्रदेश अध्यक्ष उनके राजीव जादवन है भारतीय किसान यूनियन के, उनसे बात की थी, उन्होंने बताया था कि जो किसान है खेतों में भी है और जगह जगह जहाँ प्रोटेस्ट होना है, जहाँ किसान भाई रहते हैं, जहाँ किसानों की मार्केट है, वहाँ पे समझाने भी गए हैं ताकि लोग इस भारत बंद को सफल बनाएं। और कहीं ना कहीं ऐसा हो भी रहा है कि गाजियाबाद में आसपास क्षेत्र में देखा गया है कि जहाँ किसान दुकानें बंद कराने के लिए जा रहे हैं और दुकानें बंद भी हुई है। चलिए, तो हैदर बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ज्यादा जो असर दिखाई दिया है वो बॉर्डर पर दिखाई दिया है। लखनऊ से अनूप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप जी। मुजफ्फरनगर से पवन कुमार ने जानकारी साझा की। गाजीपुर से हैदर अली ने तस्वीर दिखाई कि किस तरीके से गाजीपुर का हाल है। वहीं देहरादून से हमारे संवाददाता अजीत कांबोज जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि उत्तराखंड का हाल क्या है। ओवरऑल अगर बात की जाए तो जो किसान का आज भारत बंद है वो असर जो बॉर्डर पर ज्यादा दिखाई देता है, लेकिन आम लोग अपने काम पर लगे हुए हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं वो व्यापार पर लगे हुए हैं, और काम करने वाले लोग भी काम पर आना जाना उनका लगातार चल रहा है। प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासनिक कार्रवाई की जा रही है और प्रशासन का इंतजाम किया गया है कि कोई भी प्रकार की किसी भी दिक्कत ना हो, आम लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कैबिनेट में 7 नए मंत्रियों को शामिल किया। कैबिनेट में शामिल नए मंत्रियों में जितिन प्रसाद, पलटू राम, छतरपाल गगवार, संगीता वलवंत विंद और धर्मवीर प्रजापति, संजीव कुमार गोड और दिनेश खटीक शामिल हुए। हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं जो कैबिनेट में जगह बनाए हुए शपथ ले रहे हैं। इन सभी को राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शपथ दिलाई। इन नामों में एक ब्राह्मण चेहरा, 3 दलित और 3 OBC समाज से हैं। राजनीतिक रूप में महत्वपूर्ण राज्य विधानसभा चुनावों से महीनों पहले यह विस्तार किया गया और चुनाव को ध्यान में रखते हुए विभिन्न जातियों और समुदायों को एक साथ साधने की कोशिश भी बीजेपी सरकार की रही। कैबिनेट विस्तार में यह भारतीय जनता पार्टी की पहली प्राथमिकता जाति समीकरणों को साधने की रही। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि 2017 में पार्टी की ऐतिहासिक जीत के पीछे यूपी का जाति समीकरण था। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में सभी जातियों का साथ मिला था। पार्टी ने सहयोगी दलों के साथ मिलकर 325 सीटें जीती थी। बीजेपी इस मंत्रिमंडल विस्तार में यूपी के करीब 40% ओबीसी को साधने में जुटी हुई है। सरकार की सर्जरी, आगामी चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश सरकार अपनी सर्जरी करने में जुटी हुई है, जिसमें न सिर्फ नए तीर सजाए जा रहे हैं बल्कि आगामी चुनाव को साधने के लिए पूरी तैयारी भी की जा रही है। तैयारी जाति समीकरण बिठाने की है, तैयारी क्षेत्रों में पैठ जमाने की है और तैयारी चुनाव में हल्ला बोल करने की है। आप खास रिपोर्ट देखिए। आगामी चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश सरकार अपनी सर्जरी में जुट गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीते 4 महीने से कैबिनेट विस्तार की अटकलों पर अब विराम लग गया है। आने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कैबिनेट में 7 नए मंत्रियों को शामिल किया है। कैबिनेट में शामिल किए गए नए मंत्रियों में जितिन प्रसाद, पलटू राम, छतरपाल गंगवार, संगीता बलवंत बिंद, धर्मवीर प्रजापति, संजीव कुमार गौंड और दिनेश खटीक शामिल हैं। इन सभी को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजभवन में शपथ दिलाई। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से 5 महीने पहले हो रहे मंत्रिमंडल विस्तार का इकलौता लक्ष्य जातिगत संतुलन है। ये मंत्री अपने इलाके में ठीक से पैर जमा पाए, इसके लिए योगी सरकार ने आनंद फानन में जिस तरह मंत्रिमंडल विस्तार का फैसला लिया है, उसके पीछे यूपी में जातीय समीकरण को साधने की कवायद छिपी है। मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल किए गए 7 चेहरों के चयन में चुनाव को जहन में रखा गया है। इन चेहरों में एक ब्राह्मण चेहरा, 3 दलित और 3 OBC समाज से है।
सबसे पहले मंत्री पद की शपथ जितिन प्रसाद ने ली। जितिन प्रसाद कुछ महीने पहले ही बीजेपी में शामिल हुए हैं। ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा ब्राह्मण चेहरा माने जाते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार में जितिन प्रसाद को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। दूसरा चेहरा है छत्रपाल गंगवार। ये कुर्मी समाज के कद्दावर नेता माने जाते हैं। छत्रपाल बरेली की बहेड़ी विधानसभा सीट से विधायक हैं। गंगवार का लंबे समय से आरएसएस से जुड़ाव भी रहा है। मंत्रिमंडल में बलरामपुर से विधायक पलटू राम को भी जगह दी गई है। पलटू राम को अपने क्षेत्र में दलित समाज के कद्दावर नेता के रूप में जाना जाता है। इनके जरिए बीजेपी दलित समाज को साधने की कोशिश करेगी। इसके अलावा गाजीपुर जिले की सदर सीट से विधायक संगीता बिंद को भी शामिल किया गया है। इनको हाल ही में पार्टी ने महिला मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था। संगीता बिंद प्रशासनिक सेवा की तैयारी छोड़ राजनीति में आई है। इसके अलावा इस मंत्रिमंडल विस्तार में सबसे हैरान करने वाला चेहरा पश्चिमी यूपी से है। मेरठ की हस्तिनापुर सीट से विधायक दिनेश खटीक को मंत्री बनाया गया है। दिनेश 2017 में ही पहली बार भाजपा विधायक बने हैं और इनकी अपने क्षेत्र में अच्छी पकड़ भी है। वहीं विधान परिषद के सदस्य धर्मवीर प्रजापति को भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है, जो पहले भी प्रदेश में अहम पद संभाल चुके हैं। इसके अलावा सातवां और अंतिम नाम संजीव कुमार गोंड का है, जो ओबरा सीट से विधायक है। संजीव का अनुसूचित जनजाति में अच्छा खासा जनाधार है। संजीव के शामिल किए जाने के बाद अब योगी कैबिनेट में कुल 11 मंत्री एससी एसटी कैटेगरी के हो गए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि 2017 में पार्टी की ऐतिहासिक जीत के पीछे यूपी का जातीय समीकरण था। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में सभी जातियों का साथ मिला था। बीजेपी इस जातीय मंत्रिमंडल विस्तार से न सिर्फ जातियों को साधने की कोशिश कर रही है, बल्कि 2017 के प्रदर्शन को भी दोहराना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। मठ बाघम्बरी गद्दी के महंत और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे महंत नरेंद्र गिरी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में जेल में बंद आनंद गिरी, आद्य तिवारी और संदीप तिवारी को पुलिस हिरासत में ले जाने के बाद सीबीआई कोर्ट में अर्जी दी गई है। उन्होंने 10 दिन के लिए कस्टडी रिमांड पर देने की मांग की है। इस पर आज सीजेएम कोर्ट ने सुनवाई होगी और अवकाशकालीन कोर्ट में आरोपित आनंद गिरी समेत अन्य को अपना पक्ष रखने के लिए जेल से तलब किया है। यर्जी महंत की मौत के मुकदमे की विवेचना कर रही टीम ने सीबीआई अफसरों की मौजूदगी में अवकाशकालीन मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत की। इसमें कोर्ट ने अनुरोध किया है कि इस घटना से संबंधित मामले की पूछताछ के लिए आरोपित आनंद गिरी, आद्य तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी को पुलिस हिरासत में सौंपा जाए। आनंद राय हमारे संवाददाता प्रयागराज से लाइव जुड़ चुके, उनके पास चलते हैं। आनंद राय, तीन जो आरोपी हैं उनको कस्टडी में लिया है, पूछताछ की जा रही है, क्या कुछ जानकारी आपके पास है, हमारे बीच साझा करिए। देखिए अभिषेक, प्रयागराज का महंत नरेंद्र गिरी सुसाइड और मर्डर मिस्ट्री के बीच में अटका हुआ ये पूरा जांच दायरा है, जिसको सुलझाने के लिए सीबीआई पिछले दो दिनों से प्रयागराज के अल्लाहपुर बागवरी मठ पर डेरा डाले हुए है और हर एक पहलुओं पर जांच कर रही है। कल सीबीआई ने उसको पूरे मर्डर मिस्ट्री को रिक्रिएट करके उस पूरे मामले को समझने की कोशिश की और सारे तथ्यों को खंगोला है। वहीं अब जो तीन आरोपी बनाए गए हैं, जिन पर आरोप लगा है कि वो आत्महत्या करने के लिए महंत नरेंद्र गिरी को उकसाया था, नरेंद्र गिरी को उकसाने के मामले में आनंद गिरी, संदीप तिवारी और आद्य तिवारी जो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है और उनको नैनी सेंट्रल जेल में बंद किया गया है। अब सीबीआई ने कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की है, उस अर्जी में कहा है कि हमें 10 दिन की इन तीनों से पूछताछ के लिए रिमांड दी जाए, ताकि इस मामले से जुड़े हुए हर तथ्यों को हम लोग उससे पूछताछ कर क्या मामला है, क्या बातें हुई और क्या चीजें आ सकती है, इन सारों में पूछताछ सीबीआई कर सकती है। इसलिए अब अर्जी दी गई है। उम्मीद है अगर इन लोगों की अर्जी मिल गई तो ये जल्दी 10 दिन के रिमांड पर लेकर सीबीआई इन तीनों से पूछताछ करेगी। आखिरकार इस घटना के पीछे मूल वजह क्या है, यह हत्या है या आत्महत्या, इन सारी गुत्थियों को सीबीआई सुलझा सकेगी। जी अभिषेक, बिल्कुल बिल्कुल। आनंद राज, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी साझा की। अपडेट के बाद वापस लौटने के फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति के उद्घाटन कार्यक्रम की शुरुआत में महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा की। उत्तराखंड की महिलाओं में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना की शुरुआत की जाएगी। इस तरीके की बात सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कही। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आज हमारे प्रदेश की महिलाएं स्वरोजगार को लेकर तमाम तरह के काम कर रही हैं। नारी सशक्तिकरण योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष में 15,000 से अधिक महिलाओं को 1,00,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। इसके साथ ही बता दें कि आज देहरादून में भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक का दूसरा और आखिरी दिन है। आज नरेंद्र मोदी जी के रूप में हमको एक ऐसे नेता मिले हैं जिनके नेतृत्व में पूरे देश के अंदर इतने काम हुए हैं कि भूतो न भविष्य थी। हम अगर उसकी तुलना करें तो पिछले 7 वर्ष ये पूरे 60 वर्षों पर भारी पड़ने वाले हैं किसी क्षेत्र में। और इसी प्रकार से जब देश के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तो उस सरकार में भी इतने काम हुए और ऐसे ऐसे काम हुए जो काम हमेशा से रुके हुए थे। देखिए हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं तो मैं कहता हूं कि हमें गर्व होना चाहिए कि हम भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं। हाईकोर्ट ने चारों धाम और हेमकुंड साहिब लोकपाल में रोजाना आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या तय की है। इस तय सीमा के अनुसार ही देवस्थान बोर्ड ई पास जारी कर रहा है। पहले दिन से ही देखा जा रहा कि पास लेने के बावजूद काफी श्रद्धालु नहीं आ पा रहे हैं। बीते रोज सरकार ने डीएम को अपने स्तर में इस स्थिति में बाकी श्रद्धालुओं को धाम के दर्शन के लिए भेजने का अधिकार दे दिया है। सरकार चार धाम आने वाले यात्रियों की संख्या को बढ़ाने के लिए हाईकोर्ट से अनुरोध करेगी। वर्तमान तय सीमा की वजह से पर्याप्त यात्रियों को धामों में दर्शन का मौका नहीं मिल पा रहा। रविवार को कैंट रोड स्थित सीएम आवास में मीडिया से बातचीत में सीएम धामी ने कहा कि चार धाम यात्रा की समीक्षा में ये बात सामने आई है। सरकार ने यात्रियों की सुविधा के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं भी की है। उत्तराखंड में अरविंद केजरीवाल की रोजगार गारंटी को घर घर तक पहुंचाने के लिए कर्नल रिटायर्ड अजय कोठियाल ने शनिवार से रोजगार गारंटी यात्रा की शुरुआत की थी। रविवार को यात्रा नैनीताल पहुंची थी और राज्य यात्रा में रानी आज जो रानी खेत में यात्रा ये पहुंची है। यात्रा के दौरान आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि पिछले 20 सालों से प्रदेश की जनता नेताओं को विधानसभा भेज रही है फिर भी विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ। अगर अब ऐसा नहीं हुआ तो आपकी सरकार रोजगार भी देगी और 300 यूनिट बिजली भी मुफ्त देगी। रविवार को आपकी रोजगार गारंटी यात्रा भीमताल के बाद धारी ब्लॉक के खनसियो पहुंची और इस दौरान स्थानीय लोगों ने कोठियाल का जोरदार स्वागत किया और जिंदाबाद के नारे भी लगाए। चलिए इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहें जनता टीवी। नमस्कार।